नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सेशन फॉर 2023। हाँ, सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। स्लो स्लो पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल स्लो पढ़ेंगे, स्मूथली पढ़ेंगे। कोऑपरेट करना मेरे साथ, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, जो भी सवाल आ जाए उसी टाइम पूछ लेना, ठीक है? उसी टाइम सवाल पूछना। हाँ, ओके। नाउ द टॉपिक फॉर टुडे इज होम्यो जी स्टेसिस। लुक एट द वर्ड होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब है सेम। होम्यो का मतलब है कांस्टेंट। होम्यो का मतलब है नॉर्मल। होम्यो का मतलब है रेगुलेटेड, बैलेंस्ड। और जो स्टेसिस टर्म है, इसका मतलब है कंडीशन, इंटरनल कंडीशन या स्टेट। तो मीनिंग क्या हुई होम्योस्टेसिस की, कि जो कंडीशन है बॉडी की अंदर, जो स्टेट है बॉडी की, उसको क्या करना, कांस्टेंट करना। उसको क्या करना, नॉर्मल करना है। उसको क्या करना, रेगुलेट करना है। उसको क्या करना, सेम रखना या ऑप्टिमम रखना। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये हमारे बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को रेगुलेट करने के मुताबिक है ना? अपनी बॉडी की जो इंटरनल चीजें हैं उनको रेगुलेट करने के मुताबिक ये चैप्टर है। ये चैप्टर कह रहा है रेगुलेशन पढ़ें बॉडी की। भाई सवाल ये है कि बॉडी में इंटरनल कंडीशन चेंज हो क्यों रही है कि उनको चेंज करें, नॉर्मल रहे ना, हमेशा नॉर्मल रहे ना। चेंज क्यों हो रही है, मेंटेन करने की जरूरत क्यों है, मतलब चेंज हो रही है, कौन इफेक्ट कर रहा है बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को। तो भाई पहले सुने, होम्योस्टेसिस में हम पढ़ेंगे एक ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो का मतलब, मैं इस पर आता हूं, फिर ओस्मो का मतलब है एनवायरनमेंट पे आता हूं, सुने? हाँ बिल्कुल। ओस्मो का मतलब क्या है, सॉल्वेंट, वाटर और उसके साथ सॉल्ट। ओस्मो का मतलब है, रेगुलेशन का मतलब है बैलेंस। तो अगर बॉडी में ओनली वाटर एंड सॉल्ट को बैलेंस किया जाए, ऐसे होम्योस्टेसिस को क्या कहेंगे, ओस्मो रेगुलेशन। ये भी एक होम्योस्टेसिस का टाइप हो गया, एस्पेक्ट हो गया। अभी आप कहेंगे सर ओस्मो का मतलब तो सॉल्वेंट है, फिर सॉल्यूट क्यों? भाई जब पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें जो डिजोल्व सॉल्यूट है, क्या वो पानी में साथ नहीं जाते? वो भी जाते हैं। तो सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना इज कॉल्ड एज ओस्मो रेगुलेशन। कैसे मेंटेन किया जाएगा हम पढ़ेंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे, स्वीटनिंग करके पानी को निकाला जाएगा जब पानी ज्यादा होगा, और स्वीटनिंग और यूरिन को रोक कर
पानी को बचाया जाएगा जब बॉडी के पास पानी कम होगा। ये बैलेंस है ना भाई, या तो पानी ज्यादा होगा या कम होगा। और आप कहेंगे सर प्लांट भाई ट्रांसपेरेशन बढ़ा लें, नॉर्मल करें, कम करें अकॉर्डिंग टू द नीड, पानी कम है तो ना करें, पानी ज्यादा है तो उड़ा लें पानी को। हाँ, स्वेटनिंग कैसे रोक सकते हैं ये इस डिबेट में पढ़ेंगे पढ़ेंगे इसमें जरा बाबा, इसमें पढ़ेंगे कि कैसे स्वेटनिंग। अच्छा, सिंपल मैं बता दूं अभी आपको कि स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करते हैं तब जब उनके पास ब्लड जाती है। हम क्या करते हैं, सर्दियों में ब्लड को स्किन की ओर नहीं जाने देते, और जहां से स्वेट प्रोड्यूस होता है स्वेट पोर से, वो पोर्स बंद कर देते हैं। बाकी चीजें आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन के बाद एक और टर्म है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट करना, बैलेंस करना। थर्मो का मतलब हीट। जब हम टेम्परेचर को, हॉटनेस को एंड कोल्डनेस को बैलेंस करें, यानी बॉडी के अंदर हीट को बैलेंस करें, उसके बैलेंस को हम कहेंगे थर्मो रेगुलेशन। थोड़ा सा अगर बता दूं थर्मो रेगुलेशन कैसे होगा, थर्मो रेगुलेशन पानी का निकलना मतलब हीट का निकलना। मुझे एक बात बताएं, ये एक आदमी है आपके सामने, ठीक है, भाई ये जो आदमी है ये कह रहा है मुझे बड़ी ठंड लग रही है। इट मींस बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, कोल्ड है, सर्दी है। तो सर्दी में टेम्परेचर कितना होता है, 0 सेंटीग्रेड कहीं पर होता है। अपनी बात करें तो हमारे पास 10 सेंटीग्रेड या 20 सेंटीग्रेड, ये सर्दियों का टेम्परेचर है। और गर्मी में टेम्परेचर कितना होता है, गर्मी में कितना, समर में कितना होता है भाई, 40 या 50 या 55 सेंटीग्रेड कर लें। अब मुझे बताएं आप सब, ये जो इन्वायरमेंट है जिसमें ये ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ये सारे का सारा इन्वायरमेंट, ये बाहर का इन्वायरमेंट है ना, ये कौन सा इन्वायरमेंट है, आउटर इन्वायरमेंट है। अब बताएं बॉडी का अंदर का टेम्परेचर क्या है, कितना है, 98.6 फारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड है, 37 सेंटीग्रेड है। अगर भाई आप गर्मी में गर्म इलाके में रह रहे हैं तो मुझे बताएं क्या ये गर्मी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्या बाहर की गर्मी की वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज नहीं होगा, होगा। तो अब समझ आया कि हम टेम्परेचर बैलेंस क्यों करते हैं। आप कहेंगे सर क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट हमारे टेम्परेचर से चेंज है। सपोज करें अगर बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी 37 हो, हमारा भी 37 हो, क्या कोई चेंज आएगी बाहर से, क्या रेगुलेशन की इतनी नीड पड़ेगी, नहीं। इट मींस हमें जो अफेक्ट कर रहा है वो हमारा आउटर एनवायरनमेंट है। मोस्टली इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज करता है, उसको भी देखेंगे हम। हाँ, तो मोस्टली जो आउटर एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट करता है। अगर बाहर पानी ज्यादा हो तो पानी ज्यादा बॉडी में आएगा, पानी को रोकना पड़ेगा, नहीं आओ भाई जरूरत नहीं है, ठीक है चलो। अगर ठंड है बाहर, अगर बाहर ठंड है, अगर बाहर ठंड है 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, 37 से डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होगा तो आप क्या करेंगे,
आप क्या करेंगे, इस डिक्रीज को ऑप्टिमम तक लाएंगे और गर्मियों में इंक्रीज को ऑप्टिमम तक लाएंगे। तो ये जो 37 से डेविएट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये आउटर एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। और आप क्या करेंगे, होम्योस्टेसिस में इसको सेम जगह पर लाएंगे। ये जो टेम्परेचर आपने कम किया या बढ़ा के नॉर्मल किया, सर्दियों में गर्मियों में कम करके नॉर्मल किया, इसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। और अगर पानी बढ़ जाए, साल्ट बढ़ जाए, आधा पानी के प्यार उसमें रेगुलेशन बढ़ाया दो मां, अगर पानी बढ़ जाए और साल्ट बढ़ जाए उनके रेगुलेशन को हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। पानी कम हो जाए और साल्ट कम हो जाए उनके बैलेंस को हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। कम होगा तो लेके पूरा करेंगे, ज्यादा हो गया तो रिलीज करके पूरा करेंगे। चलो भाई, दो एस्पेक्ट होंगे। तीसरा एस्पेक्ट पे मैं जा रहा हूँ। तीसरा जो एस्पेक्ट है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है, एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी के अंदर जो आपके पास एक्स्ट्रा चीजें हैं, वेस्ट, साल्ट, टॉक्सिन्स, पॉइजन, गैसेस, CO2 या इवन वाटर, जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको रिलीज करना, इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अभी मुझे बताएं, एक सवाल बताएं मुझे, क्या आपके बॉडी में वेस्ट होने चाहिए या नहीं, होते हैं या नहीं? चलो होते तो हैं, और क्या फायदेमंद हैं या नुकसानकार हैं? भाई दोनों फायदेमंद भी हैं, नुकसानकार भी हैं। नुकसानकार ऑलवेज हार्मफुल नहीं है भाई। भाई देखें, आपके ब्लड वेसल के अंदर, यूरिया के अंदर, यूरिन के अंदर, ब्लड के अंदर यूरिया पड़ा है। यूरिया ब्लड के अंदर यूरिया होता है जो वर्क करता है एज ऑस्मोलाइट। ऑस्मोलाइट हम कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्यूट को जो पानी को कहे भाई ना छोड़ के जाओ, मुझे मेरे साथ ठहरो। ये क्यों जरूरी है ब्लड के अंदर? क्योंकि ये ब्लड का जो प्लाज्मा है यानी वाटर है, 55% उसको बरकरार रखता है। अगर ये यूरिया नहीं होगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये तो इधर उधर हो सकते हैं, मगर ये कांस्टेंट पार्ट है ब्लड का। तो हाँ, आप कहेंगे सर ये काम का है, फिर भाई इसको वेस्ट कब कहेंगे? आप कहेंगे सर जब ये लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए ना, उसको निकालना चाहिए। तो भाई एक्सक्रीशन का ये मतलब नहीं है कोई भी चीज बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है उसको निकाल दें। नहीं 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 नहीं, जो बॉडी में एक्स्ट्रा हो रही है, जरूरत से ज्यादा हो रही है, उसको निकालना इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। समझ आई भाई? एक्सक्रीशन का मतलब समझ आया कि जो चीज बॉडी को एक्सेस में नुकसान दे, जो बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए और वो उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन बॉडी को नुकसान करे। अच्छा, क्या यूरिया को 100% निकाला जाता है बॉडी से? आंसर इज नो। क्यों? कितना निकाला जाता है? जितना एक्स्ट्रा होता है, बाकी उसको रखा जाता है। भाई तुम रहो, तुमसे है हमारी जिंदगी, ठीक है भाई। ऑस्मोलाइट कहते हैं ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो वर्क करे एज अ सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या काम है? पानी को अट्रैक्ट करना। तो आपकी ब्लड से पानी क्यों नहीं कम होता? क्योंकि ब्लड में जो यूरिया पड़ा है वो पानी को बाहर नहीं निकलने देता। अगर यूरिया नहीं होता, आपकी ब्लड का वाटर टोटली सोडियम और क्लोराइड पर डिपेंड करता, तो आपकी बॉडी तो रोज सोडियम क्लोराइड की लेवल चेंज करती है। मगर ये यूरिया है जिसकी वजह से आपकी ब्लड में पानी पड़ा है कांस्टेंट, थोड़ा बहुत चेंज होता है, अट्रैक्ट करता है पानी को बिल्कुल।
चलो भाई आगे आए। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं, अगर मैं कहूं इन तीनों को मिला के कहूं तो मैं क्या कहूंगा? होमियोस्टेसिस। ये मोटा लफ्ज है होमियोस्टेसिस, मतलब अंदर की चीजों को मेंटेन करना। भाई किसको मेंटेन करना? टेम्परेचर को तो थर्मोरेगुलेशन, साल्ट वाटर को तो ऑस्मोरेगुलेशन, एक्स्ट्रा चीजों को तो एक्सक्रीशन। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। अब मैं फिर से एक बात पर आ गया हूं कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर बॉडी में चेंज क्यों हो रही है। सुने भाई एक चीज हमें समझनी है जिसका नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट दो किस्म के एनवायरनमेंट हैं। एक एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर वाला, और दूसरा एनवायरनमेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदर वाला। जो बॉडी का, बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसे हम कहेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट, और जहां पे बॉडी रह रही है, जहां पे हम रह रहे हैं जो हमारी हैबिटाट है। हैबिटाट समझते हैं भाई, हैबिटाट रहने की जगह को, उस रहने की जगह को हम कहते हैं ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो भाई एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है ये दो हो सकते हैं, मेनली दो। वैसे तो क्लासिफाई बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या तो पानी वाला हो सकता है एक्वाटिक, या तो ये हो सकता है टेरेस्ट्रियल। हाँ भाई, ये जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे रह रहा है, ये बंदा खड़ा है जो आपके सामने, ये जो लैंड पे खड़ा है इसकी हैबिटेट कौन सी है, और ये जो एमोबा नजर आ रही है आपको, ये वाली, ये पानी है, इस पानी के अंदर ये एमोबा है, ठीक है। ये एमोबा कुछ बिगड़ सी गई तो ये एमोबा है भाई, ठीक है। अब कौन सा एक्वाटिक है? एमोबा का ये कौन सा एनवायरनमेंट है? ये वाला, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसका अंदर, बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट है। और ये जो ये वाटर है जहां पे एमोबा रह रही है, ये उसका कौन सा एनवायरनमेंट है? वाटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये, और जहां पे रहते हैं हम उस जगह को क्या कहते हैं, उस एनवायरनमेंट को हैबिटेट, ठीक है। तो भाई ये हम लोग, आप लोग जहां पे रह रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के, उसके मुझे फैक्टर तो जरा बताएं, कौन से फैक्टर हैं हमारे एनवायरनमेंट के, फैक्टर कौन से हैं एनवायरनमेंट में? टेम्परेचर है, हाँ है। लाइट है, हाँ लाइट भी है। सॉइल है, हाँ सॉइल भी है। और उसके अलावा वाटर है, हाँ वाटर भी है। उसके अलावा गैसेस हैं, हाँ भाई गैसेस भी हैं, मतलब एयर है। तो ये टेम्परेचर, लाइट, पीएच, सॉइल, वाटर, गैसेस, ये आपके एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं भाई। आप जहां पे रह रहे हैं वहां पर लाइट भी है, वाटर भी है, साल्ट भी है, हाँ पानी वाले एनवायरनमेंट में पानी ज्यादा है, एयर कम है। हमारे यहाँ पानी कम है, एयर ज्यादा है, मगर यहाँ पे पानी है। अभी भी मैं खड़ा हूं, मेरे आसपास यहाँ पे पानी है, मगर वेपर की फॉर्म में है, थोड़ा है, जमीन में है। और जो खड्डे हैं, जो तालाब हैं, जो रिवर्स हैं, जो लेक्स हैं, उनमें जो पानी है, पानी के अंदर जो रह रहे हैं वो तो मजे में है, खैर नुकसान में भी है, इसको हम पढ़ेंगे। मतलब वहां पे पानी ज्यादा है, मेरे कहने का मतलब ये। अभी अभी मुझे ये बताएं, क्या बाहर वाला एनवायरनमेंट
यानी ये बाहर वाले इन्वायरमेंट के फैक्टर आपके इंटरनल इन्वायरमेंट पर अफेक्ट करते हैं या नहीं, हमारी बॉडी पर अफेक्ट करते हैं या नहीं, करते हैं भाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं टेम्परेचर भाई का, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ले लिया हमने, चलो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। एक और बात सुने, इंटरनल इन्वायरमेंट भी भाई लड़ पड़े, हम भी दो हैं। कौन से भाई दो हैं आप बताएं? इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी के अंदर दो इन्वायरमेंट है, अगेन सबका इफेक्ट होता है, सबका इफेक्ट होता है। धरती सॉइल का भी इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, इफेक्ट सबका होता है। मगर मैंने टेम्परेचर ले लिया, जो आपको सही से समझ आएगा, क्लियर कट समझ आएगा, जिसपे मैं एग्जाम्पल दूंगा, बाकी का भी बताऊंगा आपको, सुने। अब इंटरनल इन्वायरमेंट का है, दो इन्वायरमेंट है बॉडी के अंदर। एक इन्वायरमेंट है हमारा इंट्रा सेल्यूलर। इंट्रा सेल्यूलर का क्या मतलब हुआ भाई? इंट्रा सेल्यूलर का क्या मतलब हुआ कि सेल के अंदर का इन्वायरमेंट। और दूसरा इन्वायरमेंट है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर। भाई ये एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल, ये चार सेल, चलो ये पांच सेल, ये छह सेल, मैंने छह सेल बनाए हैं यहां से निकाल के वहां पे। तो मुझे बताएं ये इन्वायरमेंट कौन सा है, ये इन्वायरमेंट कौन सा है सेल के अंदर? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इंट्रा सेलुलर। और सेल के बाहर ये जो मैं अभी मैं जो रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, चलो पिंक से, ये इन्वायरमेंट, ये वाला इन्वायरमेंट कौन सा है? ये पिंक वाला, ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। तो भाई ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, क्या मैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को कह सकता हूं इंटर सेल्यूलर? इंटर सेल्यूलर का मतलब है एक और दो सेल के बीच, मतलब सेल के बाहर, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में चेंज कर रहा हूं। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंटर सेल्यूलर बात एक है, ये समझ आई? एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंटर सेल्यूलर की बात एक ही है। क्या मैं ये टर्म यूज कर सकता हूं एक्स्ट्रा सेल्यूलर के लिए कि ये टिश्यू की स्पेस है? और आपको पता है कि टिश्यू की स्पेस को कहते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरस्टीशियल स्पेस। अब मेरा सवाल है कि बाहर का जो टेम्परेचर है ये वाला जब अफेक्ट करेगा बॉडी पर, तो कौन सा बॉडी का इन्वायरमेंट अफेक्टेड होगा? एक या दोनों? लाजमी है दोनों, दोनों के दोनों का टेम्परेचर राइज, दोनों के दोनों का टेम्परेचर राइज। तो दोनों को रेगुलेट करने की जरूरत है। इट मींस पूरे बॉडी के अंदर जो भी इन्वायरमेंट है सबको मेंटेन करना है। भाई मुझे बताएं, अंदर जो बॉडी के अंदर चेंज आई है, जो टेम्परेचर में इजाफा हुआ है या टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट हुई है, ये कौन से एनवायरमेंट की वजह से हुई है? इंटरनल की वजह से या एक्सटर्नल की वजह से? मोस्टली एक्सटर्नल की वजह से। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट अपनी बॉडी के एनवायरमेंट को चेंज करता है, और हमने क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, हम होम्योस्टेसिस करेंगे, रेगुलेशन करेंगे। ये होम्योस्टेसिस है, ये बैलेंस करना, ये वापस आके ये बैलेंस, ये होम्योस्टेसिस है, ये एरो और ये एरो। यहां तक समझ आई है? चलो मैं एक और स्लाइड पे चलता हूं अभी। अच्छा, मुझे ये तो रिपीट करवाएं कि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में से इंटरस्टीशियल इन्वायरमेंट किसको कहा हमने, इंटरस्टीशियल स्पेस किसको कहा,
एक्स्ट्रा सेल्यूलर को। ओके, अब मेरी बात गौर से सुने, इंट्रा को नहीं इकरा बाबा, एक्स्ट्रा को कहा। इंट्रा का मतलब है सेल के अंदर, इंटर का मतलब है सेल के बीच। इंटर या एक्स्ट्रा एक ही चीज है, इंटर या एक्स्ट्रा एक ही चीज है। इंटर एक्स्ट्रा और इंटरस्टिशियल एक ही चीज है। ओके ओके, तो भाई अब क्या करना है, एक और बात, हमारी बॉडी भी खुद टेम्परेचर राइज करती है, मतलब टेम्परेचर बाहर का भी इफेक्ट करता है, हम भी प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर, हम भी राइज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर, हम भी राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ब्लर हो रही थी स्क्रीन, इसीलिए रुक गया, मैं देख रहा था स्क्रीन को कि सेट हो जाए, मगर हो गई। चलो सुने भाई, हाँ मैं देख रहा था कैमरा को, इसीलिए आंखें दिखाई मैंने कैमरा को, फिर सही हो गई। चलो अभी ब्लर नहीं है भाई, अभी सही है, मुझे नजर आ रहा था। सुने, हाँ मैं क्या कह रहा था कि हमारी बॉडी भी खुद टेम्परेचर राइज करती है, कैसे भाई बताएं, सेल के अंदर रेस्पायरेशन होती है कि नहीं होती है, और रेस्पायरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 और उसके साथ H2O। भी बात सुने, CO2 की ज्यादा कंसंट्रेशन भी टेम्परेचर को राइज करती है, और जो वाटर रेस्पायरेशन से बनता है वो भी टेम्परेचर को राइज करता है। यानी आपकी बॉडी के अंदर दो तरीकों से हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक बाहर की हीट, एक सेल के अंदर की हीट बाय रेस्पायरेशन। तो भाई हम खुद भी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी बॉडी भी हीट प्रोड्यूस कर रही है। तो चेंज दो किस्म की आ रही है, एक बाहर से चेंज आ रही है और एक अंदर से चेंज आ रही है। चेंज का मतलब क्या, चेंज का मतलब क्या, जो नॉर्मल पोजीशन से टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, डेविएशन। तो चेंज जो आ रही है वो बाहर की हमने समझी, अभी अंदर की समझा रहा हूं कि अंदर से कैसे चेंज प्रोड्यूस होती है। अंदर से कैसे चेंज प्रोड्यूस होती है, हमने कहा रेस्पायरेशन से CO2 बनता है और H2O। इन CO2 और H2O को हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जिनको रिलीज करना चाहिए। अब मुझे आप बताएं कमेंट में, आप बताएं कौन सा इन दोनों में से कोल्ड के टाइम में स्टोर कर पाएंगे आप। भाई इनको स्टोर करना चाहिए ना सर्दियों की मौसम में CO2 तो स्टोर होगा नहीं, क्योंकि जैसे प्रोड्यूस होगा, जैसे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सेल से डिफ्यूज होकर बाहर जाएगा, कैपिलरी से में जाकर लंग्स के पास जाएगा, लंग्स इसको उड़ा देगा, डिफ्यूजन पे मूव करता है, वो नहीं रुकेगा। वाटर को हम स्टोर करते हैं, मेटाबॉलिक वाटर को स्टोर करते हैं हम सर्दियों में, कोल्ड की कंडीशन में हम हीट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अच्छा मुझे बताएं क्या स्वेटनिंग करनी चाहिए ठंडी मौसम में, सर्दियों में स्वेट ग्लैंड बंद, ड्रिंकिंग ज्यादा करनी चाहिए पानी, नहीं भाई। तो ये थर्मोरेगुलेशन है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा एक और बात, अगर समर है, अगर गर्मी है, तो बॉडी के पास जो गर्मी आ रही है, एक तो बाहर के एनवायरनमेंट से आ रही है, एक तो रेस्पायरेशन से यानी अंदर के एनवायरनमेंट से गर्मी आ रही है। अब क्या करना चाहिए,
वाटर को स्टोर करना चाहिए या रिमूव करना चाहिए? रिमूव करना चाहिए। और कैसे रिमूव करना चाहिए? मोर स्वीटनिंग एंड मोर यूरिनेशन। अगर ठंड हो और ठंड की सीजन में आप पानी गर्मी जितना पी लें, ठंड में खड़े हों, शिवरिंग हो रही है, उस टाइम पानी पीना पसंद करेंगे आप? स्वेटनिंग करना पसंद करेंगे आप? अगर स्वेटनिंग कर रहे हैं मींस स्टोर हुई हीट लॉस कर रहे हैं, अगर पानी पी रहे हैं तो वो जो पानी पी रहे हैं आप, वो अंदर में जो हीट आपने बनाई होगी शिवरिंग से और रेस्पिरेशन से, जिसको आपने स्टोर किया होगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए हम सर्दियों में पानी कम पीते हैं, क्योंकि बॉडी कहती है नहीं भाई, हम इस ठंड से भी, जितनी ठंड ज्यादा होगी उतना हम पानी कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना? ओके। तो भाई ये हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमने टैकल करना है। हमने समझा कि अब होम्योस्टेसिस की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो मैं कहूँगा होम्योस्टेसिस इज द रेगुलेशन ऑफ या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन विच आर अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से वो अंदर वाली जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है, उन चेंज को पूरा करना पड़ेगा, मेंटेन करेगा। इसको मेंटेन करने के हम प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? होम्योस्टेसिस। क्या कह रही है? इट इज ऑल्सो बॉडीज ओन एक्टिविटीज। अगर विंटर में ज्यादा पानी पिए तो बॉडी क्या करेगी? जो एक्स्ट्रा वाटर है जल्दी में रिलीज करेगी यूरिन के फॉर्म में, स्वेटनिंग फिर भी नहीं करेगी, यूरिन के फॉर्म में वाटर को रिलीज करेगी, उससे कुछ स्वेटनिंग तो करेगी नहीं, स्वेटनिंग से सीधा हीट लॉस होती है। द मैकेनिज्म टू मेंटेन द वाटर एंड सॉल्ट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ओके ओके। हाँ भाई, अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अब सुने, कितना टाइम हुआ है? सुने, एक मिनट में पानी पी लूं। होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं, वाटर को बैलेंस कर लें। सुनो, ऑस्मोलाइट मेंटेन फ्लूडिटी ऑफ ब्लड। बिल्कुल 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 सर, विंटर में पानी ज्यादा ना पीने। हाँ सॉरी, सर रमजान में कैसे मेंटेन करते हैं? आपकी बॉडी क्या करती है? किडनी में मैं पढ़ाऊंगा कि रमजान में फास्टिंग पे आपकी किडनी क्या करती है। किडनी क्या करती है? बॉडी कहती है भाई पानी नहीं मिलने वाला। किडनी कहती है जो यूरिन में पानी वेस्ट हो रहा है सारे को वापस करें भाई। सेम वाटर रीयूज होता है हमारी बॉडी में जब हम फास्टिंग पर होते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, रीअब्सॉर्प्शन एक्स्ट्रा, ये वो फला, ये चीजें पढ़ेंगे। अब गौर से सुने भाई, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ फीड बैक सिस्टम। भाई बात ये हुई है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 37 सेंटीग्रेड और 98.6 फारेनहाइट। ठीक है, ये हमारा क्या टेम्परेचर है? कौन सा टेम्परेचर है? नॉर्मल। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता जा रहा है या ऊपर चला गया 100 फारेनहाइट हो गया, या ये 98.6 से कम होकर 95 हो गया, चलो 90 हो गया। हाँ भाई, अब मुझे ये बताएं कि हमारी बॉडी क्यों चाहती है कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए? बताएं जल्दी। हाँ भाई, क्यों हमारी बॉडी कहती है कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए या जो भी चीज बढ़ रही है उसको मेंटेन किया जाए? सुने, एक बात यह है कि अगर टेम्परेचर 100 तक जाएगा या 90 तक कम हो जाएगा
क्या एंजाइम आपके सही काम करेंगे? नहीं भाई, आपके एंजाइम इस पर 100% काम करते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है, ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब क्या होता है? मतलब जहां पे बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे, जहां पे आपकी बॉडी के एंजाइम प्रॉपरली रिएक्ट करें, काम करें। अगर आप बढ़ा रहे हैं ये भी एंजाइम के लिए नुकसान है, और आप अगर कम कर रहे हैं तो ये भी आपके एंजाइम के लिए नुकसान है। तो आपके बॉडी का टेम्परेचर वो होगा जो एंजाइम को पसंद हो। बर्ड्स के अंदर 42 भी होता है, क्योंकि उनके एंजाइम 42 को पसंद करते हैं, 43 को पसंद करते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। एक तो ये प्रॉब्लम है कि हम क्यों मेंटेन रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर, क्यों 100 से कम करते हैं, या क्यों 90 से ऊपर करके सेम करते हैं, 37 तक, 98 फारेनहाइट तक, क्योंकि एंजाइम की फंक्शनिंग, रीजन नंबर वन, इसीलिए होम्योस्टेसिस कर रहे हैं। रीजन टू ये है कि हम होम्योस्टेसिस इसलिए कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, क्या आपकी बॉडी के मालिक्यूल हैं वो टेम्परेचर के सेंसिटिव नहीं है? क्या ज्यादा टेम्परेचर प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा, एंजाइम को नहीं तोड़ेगा, डीनेचरेशन नहीं होगी, या लो टेम्परेचर में एंजाइम फ्रीज नहीं होंगे? तो भाई लो टेम्परेचर भी सही नहीं है और हाई टेम्परेचर भी सही नहीं है। इसलिए हमें हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना चाहिए, नहीं तो मालिक्यूल, आपके जो मेम्ब्रेन है, आपकी जो प्रोटीन है, जो लिपिड है, जो डीएनए आरएनए है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो टूटना स्टार्ट करेंगे या फ्रीज करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए सबको, अगर मॉलिक्यूल टूट गए मतलब सेल टूट गया, मतलब बॉडी टूट गई। बॉडी किसकी बनी हुई है? कोई ब्रिक्स तो नहीं लगी, ईंटें तो नहीं लगी बॉडी में, बॉडी सेल्स की बनी हुई है, और सेल मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल लाइट, टेम्परेचर, एसिड, पीएच, वाटर, साल्ट के सेंसिटिव हैं। तो इन सब को नॉर्मलाइज करने के लिए हम कहते हैं भाई बैलेंस चाहिए, इसलिए हम होम्योस्टेसिस करते हैं। तो ये दो मेन रीजंस हैं, बॉडी की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। मॉलिक्यूल में एटम आ गए भाई, मॉलिक्यूल में एटम आ गए, ठीक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप जरा भाई, और एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है। अब फीडबैक क्या है, सुने, फीडबैक क्या है, चलो छोड़ें, फीडबैक को छोड़ें, मुझे ये बताएं जो बॉडी के अंदर चेंज आती है उस चेंज को आप क्या कहते हैं? स्टिम्यूलाय, स्टिम्यूलाय किसको कहा हमने? चेंज को, कौन सी चेंज भाई? ये वाली स्टिम्यूलाय है, ये वाली क्या है? ये स्टिम्यूलाय है वन। स्टिम्यूलाय का मतलब समझ आया कि ऑप्टिमम लेवल से वाटर, साल्ट, वेस्ट या टेम्परेचर बढ़ जाए, जितना बड़ा है, जितना ज्यादा हुआ है, ये क्या हुई है? चेंज, थोड़ी चेंज, ज्यादा चेंज, और ज्यादा चेंज। इस चेंज को हम कहते हैं स्टिम्यूलस। अब बताएं ये चेंज दो किस्म की है, एक एक्सटर्नल चेंज, एक्सटर्नल स्टिम्यूलस, और दूसरी इंटरनल। भाई इंटरनल स्टिम्यूलस भी होती है ना, होती है ना इंटरनल स्टिम्यूलस, CO2 जो पैदा किया आपने बॉडी के अंदर, CO2 को महसूस करना, आपने बॉडी के अंदर का जो टर्गर प्रेशर है, सेल के अंदर जो पानी है, जो टोनिसिटी है, जो केमिकल की कंसंट्रेशन है, जो पीएच है, जो एसिड बेस बैलेंस है, जो ऑस्मोलाइट है, ये इंटरनल चेंज है। रेस्पिरेशन से जो वेस्ट बन रहे हैं, जो मेटाबॉलिक CO2 बढ़, जो अंदर से हीट बढ़ रही है, ये इंटरनल चेंजेस हैं। ऑप्टिमम से डिक्रीज हो गई तो ये भी चेंज है, अगर बढ़ गई ये भी चेंज है, और अगर कम हो गई तो ये भी चेंज है। अब इस चेंज को क्या करना है? ओवरकम करना है। क्या करना है इसको? इसको खत्म करना है चेंज को। अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो हीट को लॉस करके टेम्परेचर को कम करेंगे, और अगर टेम्परेचर कम हो गया है तो हीट को स्टोर करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉडी का। समझ आ रही है? टोनिसिटी,
मतलब साल्ट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में साल्ट की कंसंट्रेशन। तो भाई ये येलो वाला जो ग्राफ है ये हमारा क्या है, चेंज को रिस्पांस, ये रिस्पांस है हमने। अच्छा रिस्पांस चेंज के पैरेलल है या चेंज के अपोजिट है? अपोजिट है। अगर कम हुआ है तो हमने बढ़ाया, अगर बढ़ाया तो हमने कम किया। तो अपोजिट रिस्पांस को, ये जो बॉडी का रिस्पांस होता है ना, रिस्पांस को हम कहते हैं फीडबैक। जो चेंज आई है बॉडी के अंदर, जो चेंज आई है उस चेंज को क्या करना, रिस्पांस करना, इज कॉल्ड एज फीडबैक। अब अगर रिस्पांस हम करेंगे पैरेलल टू द चेंज तो हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव पैरेलल फीड तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट टू द चेंज तो हम कहेंगे नेगेटिव। इस पे कल डिटेल में जाएंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक क्या है, मगर इतना याद करें चेंज को रिस्पांस करना इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक, फीडबैक जस्ट फीडबैक। फीडबैक मैंने आपको पढ़ाया, आपने समझा, मैंने दो चार सवाल पूछ लिए आपसे, आप सब ने चारों के चारों आंसर दे दिए, तो आपका रिस्पांस क्या हुआ, ये आपका जो रिस्पांस है ये फीडबैक हुआ। पॉजिटिव भी हो सकता है अगर आपने सही जवाब दिए तो, और अगर मैंने एक बात बताई आपने उसके उल्टा जवाब दिया तो ये आपका रिस्पांस है जो फीडबैक है वो नेगेटिव है। तो बॉडी में भी दो फीडबैक होते हैं, मैं कल डिटेल में पढ़ाऊंगा कि पॉजिटिव और फीडबैक नेगेटिव में क्या फर्क है। इतना याद कर लें रिस्पांस करना फीडबैक है। अच्छा ये कौन सा फीडबैक लग रहा है आपको चेंज के खिलाफ? आप कहेंगे सर नेगेटिव लग रहा है हमें, कल डिटेल में देखेंगे इसको। चलो आ जाएं भाई, अब चेंज आ गई भाई, चेंज आ गई, समझ लिया बॉडी के अंदर क्या आ गई, 37 से टेम्परेचर बढ़ गया, 98 फारेनहाइट से टेम्परेचर बढ़ गया, 100 पे पहुंच गया है, 101 होगा तो बुखार कंसीडर कर लेंगे भाई। अब कौन है ऐसा हमारी बॉडी में जो महसूस करे चेंज को कि हाँ भाई चेंज हुई है, जो मैयर करे चेंज को, इतनी चेंज हुई है, इतनी हुई है या इतनी हुई है? तो आप कहेंगे सर सिंपल, हमारी बॉडी में लगे हुए हैं रिसेप्टर जो क्या करते हैं, जे चेंज को महसूस करते हैं, सेंस करते हैं, ऑब्जर्व कहते हैं, तो इनको ऑब्जर्वर, सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर, या इनको डिटेक्टर भी कहा जाता है। रिसेप्टर रिसीव करते हैं किसको, स्टिम्यूलस को, सेंस ऑर्गन सेंस करते हैं किसको, स्टिम्यूलस को, चेंज को, ऑब्जर्व करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। बॉडी के अंदर जो भी चेंज आ जाए, आपने हाथ लगाया चाय में, गर्म चाय में गया, ठंडे पानी में गया, आपको पैर के अंदर कोई नोच आ गई, कोई चीज ऐसी चुभ गई, तो ये जो आपके दिमाग तक मैसेज जा रही है, ये वाली ये मैसेज कौन कौन महसूस करता है? महसूस करना रिसेप्टर का काम है। बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया है, किसने महसूस किया, किसने फील किया, रिसेप्टर ने। अब रिसेप्टर ये मैसेज भेजेगा ब्रेन को, क्या रिसेप्टर यहां से निकलकर जाएगा अंदर जाके मैसेज देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या करेगा रिसेप्टर? रिसेप्टर मैसेज देगा एक न्यूरॉन को, उस न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से, रिसेप्टर से मैसेज लेकर पहुंचाएगा एक स्ट्रक्चर के पास, जिसको हम कहते हैं CNS, कंट्रोल सेंटर, जो मुश्तमिल है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर। भाई ये वाइट कलर का ब्रेन है, ये वाला ब्रेन है, और ये ब्रेन से निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड यहां तक, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम में यहाँ पे है,
ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, सेंटर पे है ना, इसीलिए इनको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सब क्या पड़ा हुआ है, एंट्री के बच्चे हैं आप, ज्यादा सिंपल में बताने की जरूरत नहीं कोई भी। तो अगर अगर सुने गौर से सुनना मेरी बात, ये अगर ये हाफ नेक है, हाफ नेक के ऊपर आंख ने कुछ देखा, नाक ने कुछ सूंघा, माउथ ने कुछ टेस्ट किया, कान ने कुछ सुना, या स्किन से ने कुछ लगा, या कहीं पर भी इससे ऊपर, हाफ नेक से ऊपर, तो क्या ये यहाँ के न्यूरॉन मैसेज स्पाइनल कार्ड को देंगे और स्पाइनल कार्ड ब्रेन को देगा, या यहाँ के न्यूरॉन डायरेक्ट ब्रेन को दे देंगे? क्या होगा? डायरेक्ट, हाँ भाई डायरेक्ट। और अगर पैर के अंदर आपको कुछ हो जाए, बाजुओं के अंदर आपको कुछ हो जाए, एब्डोमिन चेस्ट के अंदर आपको कुछ हो जाए, तो सेंसरी न्यूरॉन आपके मैसेज देंगे स्पाइनल कार्ड को, वो देगा ब्रेन को। अगर ऊपर वाले हैं तो डायरेक्ट देंगे ब्रेन को। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रेन को, या समझ लें दोनों को, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। अब जो सीएनएस है, ब्रेन है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर ये है, ये बताएगा कि क्या करना है। अब क्या हुआ, सुनिए गौर से, क्या हुआ, चेंज आई, रिसेप्टर ने महसूस किया, सेंसरी न्यूरॉन ने दिमाग तक पहुंचाया, ये हमारी मैसेज, ये हमारी जो मैसेज है कहां तक पहुंच गई है, मैसेज हमारी कहां तक पहुंच गई है, मैसेज हमारी यहां से, सपोज करें यहां से यहां तक, या यहां तक पहुंच गई, ब्रेन तक पहुंच गई। अब क्या होगा, ब्रेन इंटरप्रीट करेगा कि भाई क्या हुआ है, टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है, कितनी चेंज आई है। ब्रेन चेंज को समझेगा और ऑर्डर तैयार करेगा, ऑर्डर तैयार करेगा, रिस्पांस तैयार करेगा, खुद रिस्पांस नहीं करेगा, हुक्म देगा किसी को कि ये करो, टेम्परेचर को ऐसे मेंटेन करो। तो ये जो ब्रेन है, ये सोच समझ के मैसेज भेजेगा किसी और आर्गन को, और जिस आर्गन को ये मैसेज भेजेगा उस आर्गन का क्या नाम होगा पता है, उसको हम कहेंगे इफेक्टर। इफेक्टर वो जो ब्रेन के कहने पे क्या करे, रिस्पांस करे, जो ब्रेन के कहने पर क्या करे, एक्शन ले, किसके अगेंस्ट आर पैरेलल टू द चेंज। अगेंस्ट या पैरेलल क्यों लिखा है मैंने, कोई बताएगा? अगेंस्ट लिया तो नेगेटिव फीडबैक होगा, पैरेलल लिया तो पॉजिटिव। ये कल चीजें पढ़ेंगे, इतना समझ लें कि इफेक्टर वो ऐसा ऑर्गन है, बॉडी का पार्ट है, जो ब्रेन के कहने पर रिस्पॉन्स करेगा, एक्शन करेगा चेंज के लिए, चेंज को जवाब देगा, यानी रिस्पॉन्स करने वाले को हम कहते हैं इफेक्टर। तो भाई इफेक्टर क्या, मैं बॉडी के ऑर्गन को इफेक्टर कह लूं, और मसल को भी, और मसल को भी इफेक्टर कह लूं? क्यों, क्यों मच्छर बैठ गया यहाँ पे, मच्छर बैठ गया यहाँ पे, तो आपके दिमाग ने हाथों को कहा ना भाई लगाओ यहाँ पे, हाँ, तो ये मसल्स, ये लिखना, ये बोलना, ये खाना, ये पीना, ये चलना, डांस करना, घूमना फिरना, ड्राइविंग करना, राइडिंग करना, ये मसल के काम है, ये आपके ब्रेन करवा रहा है मसल से। तो मसल आपकी इफेक्टर हो गई, ब्रेन के गुलाम हो गई, ब्रेन के कहने पर काम करती है, और आपके सारे के सारे ऑर्गन भी इफेक्टर हैं, आपके ग्लैंड, ऑर्गन ग्लैंड, ये आपके सारे के सारे इफेक्टर हैं, दिमाग के कहने पर काम करें। लिवर कोई अपना काम खुद करेगा, किडनी अपना काम खुद करेगी, अपने डायरेक्शन में करेंगी, जितना कहेगा, जैसे कहेगा वैसे करेंगे, ठीक है ना। ब्रेन को पता है ना भाई चेंज कितनी आई है, स्वेट कितना प्रोड्यूस करना है, स्किन कब स्वेट प्रोड्यूस करेगी, कब पोर खोलेगी, जब ब्रेन कहेगा। तो सारी बॉडी के पार्ट जो रिस्पांस दे रहे हैं उन्हें हम कह रहे हैं इफेक्टर। और क्या दिमाग यहां से निकल कर आएगा, स्किन को कहेगा जाओ भाई स्वेटनिंग करो, तो वापसी मैसेज के लिए भी न्यूरॉन होंगे, है ना, वो भी न्यूरॉन होंगे। तो कौन सा न्यूरॉन है जो सीएनएस से इफेक्टर तक मैसेज पहुंचा रहा है, तो उस न्यूरॉन को कहेंगे मोटर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन था सेंसरी न्यूरॉन, एक न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में से कौन सा न्यूरॉन है जो मैसेज को रिसेप्टर से सीएनएस तक पहुंचा रहा है, बताएं, सेंसरी
तो सेंसरी न्यूरॉन को हम कहते हैं ये बनाता है पाथवे कौन सा, अफेरेंट। अफेरेंट उसको कहते हैं जो मैसेज लेकर आए। और मोटर न्यूरॉन को हम कहते हैं ये पाथवे बनाता है इफरेंट। इफरेंट पाथवे उसको कहते हैं जो मैसेज को ब्रेन से वापस लेके जाए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह आगे चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, कल भी हमने हवाल प्रोग्राम लगाए और आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया। इस सारे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं, ये तीन हिस्से हैं चैप्टर के। एक हिस्सा है ऑस्मो रेगुलेशन, जो हम वाटर और साल्ट का बैलेंस माइक्रोब में भी पढ़ेंगे, प्लांट में भी पढ़ेंगे और एनिमल में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा थर्मो रेगुलेशन हम प्लांट में भी पढ़ेंगे, एनिमल में भी पढ़ेंगे कि प्लांट थर्मो रेगुलेशन कैसे करेंगे और एनिमल कैसे करेंगे, और एक्सक्रेशन प्लांट में भी एनिमल में भी सब में पढ़ेंगे। ये हमारे टोटल 6 किस्म के टॉपिक हैं, ऑस्मो रेगुलेशन इन बोथ, थर्मो रेगुलेशन इन बोथ एंड एक्सक्रेशन इन बोथ। ये भाई स्लाइड सेव हो गई आपकी, ये इधर, ये इधर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू भाई। एसटीबी से पढ़ें, एसटीबी इज सफिशियंट फॉर यू पीपल। कल भी मैंने बताया था जो एवरेज बच्चा है वो ओनली एसटीबी को पढ़े। जो अच्छा खासा बच्चा है, जो नहीं हो रहा इधर उधर, जिसकी खोपड़ी नहीं घूम रही, सही से काम कर रही है, तो वो एसटीबी के अलावा और भी बुक पढ़े, क्योंकि आपके बुक्स पढ़े हुए हैं, फेडरल भी पढ़ा हुआ है, पंजाब भी पढ़ा हुआ है, तो आप उनको ना छोड़ें, अपनी नॉलेज को जाया ना करें। आपने पिछले 2 साल में जो पढ़ा है वो आप पढ़ के आए, इतना समझ लें कि जो क्लेशेज हैं वो आपने माइंड में रखने हैं, कि जो सिंध कह रहा है वो सही है, जो पंजाब कह रहा है अगर वो सही है भी गलत है, गलत है भी गलत है, ठीक है ना। ये चीजें माइंड में रखनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। फ्लक्चुएशन वाला पॉइंट का है ना सर पीटीवी में? हाँ, फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन का मतलब है चेंज, इधर उधर, नीचे ऊपर, चेंज होना ऑप्टिमम पॉइंट से। वेलकम बाबा, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ओके,